Taman Singh ji! Taman Singh ji! गोली की आवाज। कौन जगमाल कहाँ है? यहीं तो थे, हम देखकर आते। नहीं पता, आप कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं चाहते कि जरी सका को पता चल जाए। हम इस दुर्घटना में उन्हें घसीटना नहीं चाहते। आप लोग यहीं रहिए, हम स्वयं जाकर देखते हैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसके उत्तरदायी केवल आप हैं। मना किया था ना हमने कि हमारे मामले में टांग मत अड़ाइए, और बिना बात के प्राण गंवा दिए ना आपने अपने। अब तो सच में मर गए। वाह, कोई इतना आज्ञाकारी कैसे हो सकता है? वो जगमाल! हे भगवान, लगता है दादा भाई ने गोली का स्वर सुन लिया। अब हम क्या करें? वो जगमाल! हे भगवान, अब हम क्या करें? वो जगमाल गोली मार ले खुद को। ये उचित मार्ग रहेगा, नहीं तो दादा भाई हमें मार के मार डालेंगे। वो जगमाल! हिलिए मत जगमाल, कांपिए मत। वो जगमाल काफी है। फिर गोली की आवाज, हमें चलना चाहिए। नहीं हाकिम खान, कुंवर प्रताप ने मना किया है। ये क्या हो गया? हम नहीं मार पाए स्वयं को। कौन सा कुमार? दादा भाई, चमन सिंह, दादा भाई, दादा भाई, कोई जगमार शांत हो जाइए, बंदूक हमें दीजिए। नहीं नहीं, हम नहीं देखे दादा भाई। कुछ नहीं होगा आपको, बताइए बात क्या है, बताइए हम हैं। क्या बताएं? बताएंगे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। हम समझेंगे आपकी बात। लाइए बंदूक दीजिए हमें। कोई जगमाल नहीं, हम के बड़े भाई हैं। दादा भाई बंदूक हटाइए आप। नहीं दादा भाई, कोई जगमाल बंदूक हटाइए। आप भी नहीं समझेंगे, उल्टा आप तो हमें मार डालेंगे। सच्चा हम स्वयं को ही मार लेते। वैसे भी जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। कुछ समाप्त नहीं हुआ है, कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। हम स्वयं को मार लेंगे दादा भाई, हम मार लेंगे अपना खुद दादा भाई। कोई जगमाल, हम स्वयं को मार लेंगे दादा भाई। कोई जगमाल दादा भाई। तीसरी गोली चल गई है पत्ता, अब हम नहीं रुक सकते। कहीं प्रताप मुसीबत में ना हो। क्या किया आपने? दादा भाई, अब हम मर जाएंगे ना, इसलिए पूरा ही स्वयं को मार लेते। नहीं नहीं कोई जगमाल, नहीं कुछ नहीं होगा आपको। दादा भाई, वो दमन सिंह आपको मारने आया था दादा भाई, उसको लगा कि आपने रानी माँ पे गोली चलाई है, इसलिए आपको बचाने के लिए उसको मारना पड़ा। दादा भाई, आपने हमें बचाया था ना, तो हमें तो ये करना ही था, परंतु अपराध दोनों बार हमसे ही हुआ। अब अगर यही बात
अब आपको बता दे तो ना आप हमारा विश्वास करते और ना ना दादी राज, इसलिए इसलिए हमने स्वयं को ही गोली मार ली। क्यों किया आपने सर? क्यों किया? ये आपका रक्त नहीं, ये हमारा भी रक्त है। आपके बड़े भाई हैं, कुछ नहीं होगा आपको। अरे आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कदापि आपको कुछ होने नहीं देंगे। अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाएंगे रानी मां दाजी राज को? क्या कहेंगे उनसे हम कि हम आपकी रक्षा भी नहीं कर पाए? ओ जगमान, कुछ नहीं होगा आपको, हम आपको कुछ होने देंगे। शीघ्र ही चलिए हमारे साथ। दादा भाई, दादा भाई, हम मरना नहीं चाहते। दादा भाई, हम आपसे जीवन की भीख मांगते। दादा भाई, कुंवर प्रताप, प्रताप शीघ्र आके बेटी को बुला रही। जी चलिए आइए। आइए आगम खान, हमें मेवाड़ के इस वीर सेनापति का पूरे सम्मान सहित अंतिम संस्कार करना ही होगा। आप फिक्र ना करें कुंवर प्रताप, आइए। जी सब ठीक है ना? अब आपको इनके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई पता? अब आज रात की जहीर साका के साथ लड़ाई से पहले मल अभ्यास करना चाहेंगे? जाकर जहीर साका को कह दीजिए कि हम अपनी अधूरी बची हुई लड़ाई आज नहीं, कल रात आरंभ करेंगे। आज हमें तमन सिंह के अंतिम संस्कार, उनके अंतिम दाह में रहना पड़ेगा। और बता दो अपने जहीर साका को कि हम आज रात की लड़ाई के लिए कुंवर प्रताप का संदेश लाए। हाकिम खान, अब तुम यहां से लौट जाओ, जहीर साका से बात हम करेंगे। कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कुंवर प्रताप की दोस्ती का कर्ज उतारना है। चाहे लड़ाई उन्होंने शुरू की हो पर उसे खत्म हम करेंगे। नहीं हाकिम खान, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कुंवर प्रताप कभी नहीं मानेंगे। कुंवर प्रताप को मनाना तुम्हारी मुसीबत है, हमारी नहीं। अब तुम यहां से जाओ। आज रात हम करेंगे आपके साथ मुकाबला। कुंवर प्रताप का यही पैगाम है आपके लिए। अमन सिंह जी, अगर आप जीवित होते तो हम आपकी दुविधा को दूर कर पाते। हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर मेवाड़ के वीर सेनापति सत्यवाहक की आत्मा को शांति प्रदान करें। कुंवर प्रताप, हाकिम खान जहीर साका से लड़ने के लिए चला गया है। क्या? आपने ऐसा होने क्यों दिया? हमने उसे बहुत रोका कुंवर प्रताप, हमने कहा भी कि आप कभी नहीं मानेंगे, किंतु वो हमारी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब क्या करते? अब अतिथि शाला जाकर जगमाल की देखभाल करें।
हम जाकर आकिम खान की सहायता करते हैं। जी। हम सुरेंद्र को मार लेंगे दादा भाई। वो चकमा दादा भाई। कसम तो मैंने प्रताप को हराने की खाई थी, तुम्हें हरा के क्या होगा? क्योंकि प्रताप ने हमें भेजा है लड़ने के लिए, चाहे वो लड़े या हम, बात एक ही होगी। आप हमें हरा दीजिए, समझ लीजिएगा कि आपने प्रताप को हरा दिया। ठीक है तो फिर तुम्हें ही हरा देता हूं। पकड़ में, अब देखता हूं गायब कैसे होता है। कुछ भी कर ले तू, अब गायब नहीं होने दूंगा। हमने पकड़ लिया खबीस के बच्चों। हम शुरू से ही जानते थे कि तुम एक नहीं दो हो, और तुम बहादुर नहीं बुजदिल हो, बुजदिल जुड़वा भाई। अब तुम्हारा राज हम जान चुके हैं और हम बताएंगे प्रताप को और इस पूरी दुनिया को कि तुम एक नहीं दो हो। जिंदा रहोगे तो बताओगे ना खान? आखिर खान, आखिर खान, हमने कभी भी आपको अपने मामले पढ़ने की अनुमति नहीं दी, फिर क्यों किया आपने ऐसा? इस व्यक्ति ने हमारी गाय चुराई है, इसे सही पाठ पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। आप इनकी हकीकत नहीं जानते प्रताप। हम जानते हैं इनकी असलियत। असलियत भी धोखा है। ये चुरा अखाड़े में हथियार लाने का कायदा नहीं है। अखाड़े में हथियार लाना कायदे के खिलाफ है। हमने तुम्हारे हर एक नियम का पालन किया, तुमने हमारे साथ छल किया है। शाबाश प्रताप, शाबाश सक्का। अगर तुम अभी हमारे सामने नामुराद नहीं हुए तो प्रताप तुम्हारे भाई की गर्दन काट देगा। सामने आ खबीस की औलाद, आ सामने।
हम जानते थे कि तुम एक नहीं दो हो। तभी तो आप जैसे शानदार जंगजू के सामने ये पूरी रात भर टिक पाए। अब हम दोनों तुम दोनों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं और तुम दोनों को मारने के लिए हमें हथियार की आवश्यकता नहीं है। तुमने वायदा तोड़ा है। वायदा तुमने तोड़ा है। हम दोनों खून से बंधे हैं। हम दोनों मिट्टी से बंधे हैं। हम दोनों दोस्ती से बंधे हैं। हम दोनों एक हैं। हाँ हम एक हैं। कुंवर जगमाल, कुंवर जग, तुम चाहते हो कि मेवाड़ की सेना तुम्हारे दुर्ग पर कब्जा ना करे तो हमारी गायों को छोड़ दो। जो हुक्म जनाब, हम अभी आपकी सभी गायों को छोड़ते हैं। आपका और हमारा दोनों का हाथों में लिया काम अब पूरा हुआ। आपका अपनी गायों को छुड़ाने का और हमारा आपसे दोस्ती करने का। चले चलते हैं। कुर्ता
क्या बात है प्रताप? चकमार भाग गए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.